ओके, तो यहाँ पे एक ब्रिज है जो कि टूटा हुआ है, वो मुझे लग रहा है यहाँ से एक्शन वाला सीन हो सकता है। ओ भाई सब सही सोचा था मैंने, डिस्क ब्रेक वाली साइकिल है पूरी। अबे भाई गया गया गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो। तो यार आज की वीडियो में हम फिर से खेलने जा रहे हैं हमारा GTA 5। तो यार पिछली वीडियो में GTA 5 की हमने ये देखा था कि फ्रैंकलिन गया था एक जगह पे, जिस जगह पे हमें कुत्ता वगैरह मिला था। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी, पिछली वीडियो जरूर से आगे देख लेना, बहुत ज्यादा कमाल की वीडियो थी। तो वहाँ पे जब हमें कुत्ता मिला था तो वो कुत्ता हमें कुछ दिखाना चाहता था, वहाँ पे हमने उस कुत्ते का पीछा करा था। पीछा करने के बाद हमें एक झाड़ियों में एक पेड़ में फंसा हुआ लड़का मिला था जिसकी हमने मदद करी थी, और उसके जस्ट बाद वो कुत्ता गायब हो गया था। तो उसके आगे जानना क्या हुआ था तो पिछली वीडियो जरूर से देख लेना, बड़ा मजा आया था। हमने स्काई डाइविंग वगैरह की थी, तो वहां से भी अपना गेम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज मैंने एक लैम्बोर्गिनी का दूसरा मॉडल मंगवाया है। वैसे शायद से मैंने ये, मैं श्योर नहीं हूँ, थोड़ा याद नहीं है मुझे कि मैंने ये वाली गाड़ी चलाई है नहीं चलाई है इस गेम में, लेकिन मैंने अभी दूसरा मॉडल मंगवाया। पिछली वीडियो में दूसरा मॉडल मंगवाया था और इस वीडियो में दूसरा मॉडल मंगवाया, वैसे लग काफी सही रहा है। कमेंट करके बता देना अगर अच्छी लग रही हो कार। तो कलर भी मैंने यही चूज कर लिया क्योंकि पिछली बार तो रेड कलर की लैम्बोर्गिनी मंगवाई थी, इस बार ऑरेंज कलर की मंगवा ली, जो कि शायद से बाय डिफॉल्ट आती है कंपनी की तरफ से। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। पहले उससे पहले मैं सेट कर लेता हूँ अपना ऑब्जेक्ट, दिखा किधर की तरफ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, बाकी नहीं भाई, हमारे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बने हुए आ रहे हैं और जो कि बहुत ज्यादा दूर हैं। अभी मैं यहाँ पर हूँ, कहाँ पर हूँ मैं? ओके, मैं यहाँ बीच में हूँ, यहाँ बीच में मैं हूँ, ये रहा। ओके, यहाँ पर हूँ मैं, और यहाँ से एक तो डी बना हुआ आ रहा है और एक यहाँ पर एफ बना हुआ आ रहा है, मतलब दोनों ही लोकेशन बहुत ज्यादा दूर दूर है। तो मुझे नहीं पता डी से और एफ से क्या होने वाला है, तो मैं काम करता हूँ, मैं एफ पर चलता हूँ क्योंकि भाई मेरा दिल कर रहा है एफ पर जाने का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर भी है और एकदम पानी के पास लग रहा है मुझे ये। तो ये थोड़ा सा हो सकता है एक्साइटेड हो, एक्साइटमेंट वाला मुझे लग रहा है ये मिशन थोड़ा सा, जो एफ बना हुआ आ रहा है जहाँ पे। तो वहां पे चलते देखते हैं वहां पे होने क्या वाला है। और वैसे यार कार की कंट्रोलिंग काफी सही है, मतलब पिछली वाली बुगाटी से तो काफी ज्यादा सही है। पिछली वाली बुगाटी मतलब बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल थी, भाग बहुत तेज रही थी और कंट्रोल में नहीं आ रही थी, ये वाली कंट्रोल में आ रही है कम से कम। तो पहले अपनी लोकेशन पे चल के देखते हैं क्या मिलने वाला है। ओके, तो हम यहाँ पर अपनी लोकेशन के काफी ज्यादा पास आ चुके हैं, और जैसा कि मैंने मतलब सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही है कि मैंने सोचा था ये बिल्कुल पानी की जगह पर होगी ये वाली लोकेशन, और ये भाई पानी की जगह पर ही है। और अभी मुझे जाना कहाँ है पहले मैं ये देख लेता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे तो बिल्कुल एकदम पानी पानी भरा हुआ है और गाड़ी ले आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, गाड़ी कहीं मेरे डूबी ना जाए। ओके, तो थोड़ा आराम आराम से बचा बचा के ले चलते हैं। और यहाँ पे शायद से बोट्स खड़ी हुई हैं दो, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी करनी पड़ेगी। ओ भाई साहब, अबे भाई ये तो वही लड़की है। ओके, इस लड़की से मैं, अगर आपने पिछली कुछ वीडियोस देखी तो आपको पता होगा ये लड़की हमें कुछ टाइम पहले मिली थी, लेकिन ये उस टाइम माइकल के साथ इसने रेस लगाई थी भागने वाली, और इस बार मुझे लग रहा है ये हमारे साथ कोई मोटर मतलब पानी में रेस लगाएगी, जो मोटर बोट्स होती है उसके साथ। ओके, तो ये लड़की हमेशा एक्सरसाइज वगैरह करती ही मिलती है, पहले माइकल को भी एक्सरसाइज करती हुई मिली थी और अभी फ्रैंकलिन को मिल गई है। तो हमसे ये मोटर बोट में रेस लगाने वाली है पक्का से, क्योंकि यहाँ पे मोटर बोट खड़ी है तो उसका यही मतलब हो सकता है। वह तो लड़की के एप्स वेप्स सब है निकले हुए, ये बढ़िया है भाई। फ्रैंकलिन भी कम नहीं है भाई, ये भी बड़ा तगड़ा इंसान है। ओके, तो अभी देखते हैं क्या होगा। ओके, तो हमें, ओके मैं समझ गया, हमें इस बोट में बैठ के रेस लगानी है, हमें स्विमिंग की रेस लगानी होगी। ओके भाई ले, तो अभी स्विम करके इससे रेस लगानी है भाई, इससे ये काम भी बड़ा ज्यादा हार्ड होने वाला है। ओके, तो भाई लड़की बोल रही है मुझे फील भी नहीं हो रहा मैं रेस लगा रही हूँ, मतलब इतना ज्यादा आसान बता रही है इसको। वैसे तो अभी तक हम ठीक ठाक हैं, लेकिन मुझे पता है पक्का से आगे चल के क्या होने वाला है कि अभी थोड़ी थोड़ी मतलब कुछ सेकंड बाद फ्रैंकलिन की मतलब जो स्टेमिना है वो पावर कम होने लग जाएगी, और उसके बाद हम मतलब स्लो रफ्तार हो जाएगी हमारी। ये लड़की है कहाँ पर? लड़की तो हमने काफी ज्यादा शायद से पीछे छोड़ दी, क्योंकि मैप पे मैं देख सकता हूँ थोड़ा थोड़ा पीछे हो गई है वो। और वैसे ये रेस जीतना ज्यादा हार्ड नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो शायद से कुछ ही लैप्स बचे हैं और उसके बाद हम जीत जाएंगे। ओके, और फाइनल लैप्स बचा है अभी, उसके बाद हम जीत जाएंगे। ओके, फाइनली भाई जीत गए हम यहाँ पे, अभी भाई पूरा नहीं जीते हैं। ओके, अभी यहाँ पे बाइसिकल वाली रेस भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। ओके यार, तो ये थोड़ी सी बाइसिकल मतलब ये बाइसिकल वाली रेस थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, वैसे तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ऐसे इसमें भी हराने की, और मुझे वैसे लग नहीं रहा कि ये बाइसिकल वाली भी जो रेस है वो आखिरी होने वाली, क्योंकि जिस तरीके से पहले स्विमिंग करी और स्विमिंग के जस्ट बाद ही हमने शुरू कर दी अपनी बाइसिकल चलानी, तो हो सकता है इसके बाद भी हम कुछ करें। वैसे तो मेरे ख्याल से कुछ करना नहीं बचता है, लेकिन फिर भी देखते हैं। और भाई मैंने अभी मुझे जस्ट अभी भी पता चला है, मेरे याद आया एकदम से कि कैप्स लॉक अगर हम दबाए थे कीबोर्ड में तो उससे जो हमारी जो बाइसिकल चलाने वाली स्किल होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है, तो जो हमारा कैरेक्टर होता है वो बहुत तेज़ी से साइकिल को चला पाता है। तो आप देख सकते होंगे भाई कितना पीछा छोड़ दिया हमने उसको मैप पे, मतलब एक बार उसको लोकेशन, उसकी लोकेशन पर हमारी लोकेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अब वो काफ़ी पीछे रह गई है। ओ भाई यहाँ पे गाड़ियाँ भी आ रही हैं एकदम मेन रोड पे। ओके भाई, फ्रैंकलिन बोल रहा है कि भाई रोड को देख के चला गाड़ी।
ओके तो यहाँ पे एक ब्रिज है जो कि टूटा हुआ है, वो मुझे लग रहा है यहाँ से एक्शन वाला सीन हो सकता है। ओ भाई सब सही सोचा था मैंने, डिस्क ब्रेक वाली साइकिल है पूरी। अबे भाई गया गया गया, ओ बच गया भाई साहब, पूरा एंड में आके एकदम एंड में मतलब एकदम गिरने वाले थे हम। ओके बिल्कुल पीछे ही है वो लड़की, वैसे उन्हें थोड़ा सा करीब आ गई, लेकिन मुझे नहीं लगता वो जीत पाएगी हमसे, क्योंकि हम काफ़ी आ गए हैं उससे और हम जीतने वाले हैं। अब एक लैप्स बचा है और उसके बाद फाइनल लैप्स होगा, ठीक है? अब फाइनल लैप्स आने वाला है फाइनली, और उसके बाद हम वाली रेस जीत जाएंगे और देखते हैं फिर क्या होगा। ओ भाई साहब ठीक है जीत गए। ओ भाई अभी जीत अभी पूरी तरीके से नहीं जीते हैं, अभी यहाँ लिखा है रन अलोंग द रूट। ओके हमें पूरा अभी भागना भी होगा यहाँ पे, मतलब पहले स्विमिंग करी उसके बाद बाइसिकल, और अब उसके बाद हम मतलब भागने वाली रेस लगा रहे हैं। मतलब मैंने सही सोचा था कि अभी जो बाइसिकल वाली रेस है उसके बाद हो सकता है हमें और भागना पड़े, और उसके बाद और भागना पड़ रहा है। तो अभी और लोग भी यहाँ भाग रहे हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह खास से कर रहे हैं, तो ये भी सेम चीज़ करती है मेरे ख्याल से। ओ भाई मैंने उसको बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है, मतलब दिख भी नहीं रही वो प्रॉपर तरीके से। ओके मैप पे भी काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गई है वो। चलो यार ये बढ़िया, अगर फ्रैंकलिन की सांस वांस अगर फूली तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई सारे बंदे यहाँ पे एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे पूरा एक्सरसाइज करने का पूरा एरिया बना हुआ है, और आई होप ये रेस ज़्यादा लंबी ना हो भागने वाले, नहीं तो भाई फ्रैंकलिन की सांस फूलेगी और हमारी पावर कम होने लग जाएगी, जिससे भाई गिर भी सकता है। शायद हो सकता है सिर्फ ऐसा माइकल के साथ ही होता हो, क्योंकि भाई जब मैंने माइकल के साथ रेस लगाई थी इस लड़की से, तो माइकल भागते भागते गिर भी गया था। लेकिन चलो फाइनली हमारी यहाँ पे जो भागने वाली रेस है वो भी फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, तो अब देखते हैं क्या होगा। भाई फ्रैंकलिन की हालत खराब हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे बुड्ढा हो। Not winning, right? No, it is always about winning. Okay. We gotta keep going. Some loser, fat, unmarried, career-driven loser. तो अभी फ्रैंकलिन ने इस लड़की से ये बोला कि भाई जीतने हारने की बात नहीं होती, अच्छा करने की बात होती है। तो लड़की ने बोला कि नहीं, औरतों के लिए हमेशा जीतने वाली बात ज़्यादा बढ़िया होती है। तो यार ये हमारा फाइनल यहाँ पे मिशन कंप्लीट हो चुका है। तो यार बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर जरूर से लाइक कर देना, अगर चैनल पहली बार आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को मेक श्योर जरूर से ऑन कर लेना, ताकि मैं अपने चैनल पर कभी भी कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आपकी कोई भी गेम पे वीडियो सीरीज मिस ना हो। मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना कि आज स्विमिंग की जो रेस का उसमें मजा आया या नहीं आया। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।